चलो सो so, बात खत्म हो गया बात खत्म ठीक है थोड़ा एनर्जी सेव कर लूँ ओके okay. तो बेसिक कुछ सम्स करते हैं प्रोबेबिलिटी का एंड देन उसके बाद वील स्टार्ट विथ तो अ न्यू टॉपिक रैंडम वेरिएबल्स एंड ठीक है तो एक सम है आई जस्ट क्विकली रीड द क्वेश्चन आप लोगों को पूरा पूरा नहीं लिखना है खाली कुछ कुछ चीजें लिख लेना नंबर्स कस्टमर्स एट अ रेस्टोरेंट एम आई ऑडिबल यस नो किसी ने यस नहीं लिखा है चैट बॉक्स में ओके कस्टमर्स एट अ रेस्टोरेंट मे ऑर्डर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ चिप्स सैलड और अनियन रिंग्स द प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर चोजेज अनियन रिंग्स ज जीरो पॉइंट थ्री प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर ऑर्डर सैलेड फोर एंड चिप्स एंड सैलड सो चिप्स मैं सी लिख रही हूं एंड सैलड एंड मतलब इंटरसेक्शन होते यहां वर्ड्स में लिखा है मैं नोटेशन के फॉर्म में लिख रही हूं क्या होगा जीरो पॉइंट वन फाइव दे चिप्स एंड अनियन रिंग्स मतलब क्या हो गया जीरो पॉइंट अगेन वन फाइव फिर बोला है सैलिड और अनियन रिंग्स तो क्या होगा सैलिड और अनियन रिंग्स जीरो पॉइंट फाइव फाइव एंड बोला है ऑल थ्री जीरो पॉइंट जीरो फाइव ऑल थ्री मतलब इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन लोगे कि यूनियन लोगे सैलेड अनियन रिंग्स एंड चिप्स ठीक है नन ऑफ द अबव कैसे लिखेंगे ठीक hmm? है वन माइनस या फिर कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे किस चीज का तीनों का यूनियन का डैश इज जीरो पॉइंट टू नन ऑफ द अब इसका सबसे पहले तो वेन डायग्राम बना लो जो कल हमने बनाया था सर्कल सर्कल पहला बोला है Calculate the probability that the customer will choose chips. The customer will choose only chips. Karo, solve. इसका अगर डायग्राम बनाए ऐसा बनेगा सैलेड चिप्स अनियन रिंग्स तो अनियन का बोला है जीरो पॉइंट थ्री मतलब ये पूरा अनियन का है जीरो पॉइंट थ्री? थ्री है ना पूरा अनियन का जीरो पॉइंट थ्री है मुस्कान एवरीथिंग इज देयर ऑन द बोर्ड नथिंग टू रिपीट उसके बाद सैलड मतलब ये पूरा हो गया जीरो पॉइंट थ्री सैलड पूरा सैलड इज जीरो पॉइंट फोर फिर बोला है चिप्स एंड सैलड जीरो पॉइंट वन फाइव ये वाला पार्ट जीरो पॉइंट वन फाइव है अगर तो तो बहुत ही बड़ा सारा है इसको कैसे करेंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा मतलब कि ये जो पूरा पार्ट है चिप्स एंड सैलड बोला है मतलब ये पूरा सॉरी मतलब ये पूरा पार्ट है जीरो पॉइंट वन फाइव ना उसके बाहर वाला पार्ट क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट फोर माइनस जीरो पॉइंट टू फाइव ठीक है नेक्स्ट ऐसे तुम लोग चिप्स एंड अनियन दिस पार्ट इज अगेन जीरो पॉइंट वन फाइव नहीं चिप्स एंड अनियन है यूनियन कहां से आ गया दिस पार्ट इज जीरो पॉइंट वन फाइव मे को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ चिप्स निकालने तीनों का यूनियन भी दिया हुआ है ये वाला जीरो पॉइंट जीरो फाइव कैसे निकालेंगे बताओ उसके बाद ये दोनों दिया हुआ है अच्छा तो ये अगर ये दोनों दिया हुआ है कैन वी जस्ट फाइंड आउट द इंटरसेक्शन कैसे निकाला इंटरसेक्शन बोलो दिस इज यूनियन इज वॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ओ तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों को एड करेंगे जीरो पॉइंट थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ अनबिलिटी ऑफ सैलड जीरो पॉइंट फोर माइनस दोनों का यूनियन विच इज जीरो पॉइंट फाइव फाइव क्या है दिस इज ऑल्सो जीरो पॉइंट आ गया यूनियन इंटरसेक्शन uh, रुक जाओ जीरो पॉइंट वन फाइव आया हमें को पता है तुम इंटेलिजेंट हो जीरो पॉइंट वन फाइव आया अब ये कैसे निकालेंगे ये वाला फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं ना तीनों का यूनियन वाला जो फॉर्मूला होता है सो इफ दिस इज जीरो पॉइंट एट जीरो पॉइंट टू तो यूनियन क्या हो जाएगा जीरो चिप्स यूनियन सैलड यूनियन

चिप्स जो हमें नहीं पता जो हमें निकालना है प्लस नहीं माइनस दोनों का जीरो पॉइंट वन फाइव माइनस जीरो पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट वन फाइव एंड प्लस एक इंटरसेक्शन करते हैं तीनों का जीरो पॉइंट जीरो फाइव क्या आ रही है जीरो पॉइंट फाइव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ चिप्स जीरो पॉइंट थ्री हो गया मतलब दिस इज जीरो पॉइंट फाइव देख लो अंडरस्टूड किसको नहीं समझ आया इसको बनाओ कंप्लीट करो फिर चिप्स ओनली निकालना है चिप्स ओनली निकालना है चिप्स ओनली कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ये विजिबल है सबको चिप्स ओनली हम्म पूरा ये चिप्स पूरा चिप्स ओनली बोला है ना तो पूरा जो चिप्स है वो है 0.5 प्रोबेबिलिटी ऑफ चिप्स आ रहा था 0.5 माइनस दिस पार्ट माइनस दिस पार्ट अब इससे क्या होगा ये वाला दो बार माइनस हो गया प्लस एक बार करना पड़ेगा तो जीरो पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट वन फाइव माइनस जीरो पॉइंट वन फाइव विच इज ये इंटरसेक्शन कर दिया अब क्योंकि ये आपने दो बार माइनस कर दिया तो प्लस जीरो पॉइंट जीरो फाइव करोगे कितना आ रहा है इस द आंसर देख लो ये नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन ठीक है ना ओके नेक्स्ट सबका हो गया एक बार डन लिख दो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुम लोग तो किया भी नहीं है मेरे को तुम देखो तुम लोग देखो Minus minus 0 .8 0 .8 minus? हाँ कर सकते ये बोल रही है चिप्स के लिए आपने इतना लंबा किया ठीक है यूनियन सबका आ रहा है जीरो पॉइंट एट तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनियन एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सैलड कर दो आ जाएगा कर सकते yes. हैं यस इतना लॉन्ग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है नहीं आएगा क्या आंसर एक सेकंड रुको एक सेकंड तुम्हारा ये पूरा जीरो पॉइंट एट है तीनों मिला के अब तीनों में से तुमने क्या किया है तुमने ये पार्ट और ये पार्ट पूरा माइनस कर दिया तो कैसे सही है तो ये वाला नहीं ओनली चिप्स नहीं आएगा तुमने ये पार्ट एंड ये पार्ट मतलब ये वाला पार्ट तुमने दो बार माइनस किया है इसीलिए मैं बोल तुमने बनाया नहीं ना डायग्राम एस, पहली बात तो विदाउट अ बॉक्स यू कैन नॉट मेक अ डायग्राम ठीक है दैट्स वाई वी डू द लॉन्ग प्रोसेस चलो नेक्स्ट सबने कर लिया ना ये अरे ये क्या कर दिया दिस इज नॉट अ टेक्निकल इशू जस्ट बिकॉज यू नो अ वर्ड यू कैन नॉट यूज इट एनीवेयर मेरे सामने डोंट ट्राई टू बी स्वकास्टिक चलो लिखना स्टार्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा पूरा मत लिखना स्टूडेंट्स एट अ परफॉर्मिंग आर्ट कॉलेज कैन चूज टू स्टडी वन और मोर क्लास ऑफ एक्टिंग डांस और सिंगिंग तीन एक्टिविटीज हैं और वो एक या एक से ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट कर सकते हैं एक्टिंग डांस एंड सिंगिंग द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज स्टडिंग एक्टिंग इज जीरो पॉइंट फाइव सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्टिंग इज जीरो पॉइंट डांस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव ये भी बहुत ईजी है सिंगिंग पॉइंट फाइव फाइव सिंगिंग सॉरी एक्टिंग और डांसिंग एक्टिंग और में क्या हो जाएगा एक्टिंग और सिंग uh, खो गई मैं एक्टिंग और डांसिंग इज जीरो पॉइंट एट एक्टिंग एंड सिंगिंग इज जीरो पॉइंट टू फाइव एक्टिंग एंड सिंगिंग इज जीरो पॉइंट टू फाइव डांसिंग एंड सिंगिंग इज जीरो पॉइंट टू फाइव Two, five. Find the probability that a student studies all the three classes. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट स्टडीज ऑल द थ्री क्लासेस मतलब हमें क्या निकालना है तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है अगेन यूज द वेन डाइग्राम अप्रोच ये बहुत ही छोटा बना लिया मैंने दिख नहीं रहा होगा ना पीछे वालों को एक्टिंग डांसिंग ये जीरो पॉइंट ये वाला पार्ट जीरो पॉइंट टू फाइव है डांसिंग एंड सिंगिंग ये वाला पार्ट जीरो पॉइंट टू फाइव है ए यू डी ये वाला जीरो पॉइंट एट है एंड ए पता है डी पता है सो कैन यू फाइंड आउट दिस पोर्शन फॉर मी कैसे निकाला सुन लो आई एम नॉट राइटिंग इट जीरो पॉइंट एट इज यूनियन जीरो इज यूनियन विच इज इक्वल टू ए प्लस डी माइनस इंटरसेक्शन तो पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट सिक्स फाइव कितना होता है वन पॉइंट वन फाइव माइनस जीरो पॉइंट एट तो ये वाला पार्ट पॉइंट थ्री फाइव हो गया दोनों का तो क्या निकाला हमने हमने निकाला ए इंटरसेक्शन डी पॉइंट ये आ गया तीनों इंटरसेक्शन है तीनों ये है तो अब सिंपली यूनियन तीनों का यूनियन तीनों का यूनियन निकाल सकते हैं क्या पहला लाइन मैंने एक चीज बोला था यस इट बी वन स्टूडेंट्स कैन चूज टू स्टडी वन और मोर क्लासेस क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो वी अज्यूम कि ऑब्वियसली स्टूडेंट अगर एनरोल कर रहा है तो तीनों में से कुछ एक तो चूज करेगा सो इट शुड अप टू वन तीनों का यूनियन शुड अप टू वन ठीक है करो अब तीनों का यूनियन वन हो गया तो जीरो पॉइंट फाइव प्लस जीरो पॉइंट सिक्स फाइव प्लस जीरो पॉइंट फाइव फाइव ये एक्चुअली सारे माइनस हो जाएंगे फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी प्लस सी माइनस तीनों का इंटरसेक्शन अलग अलग प्लस तीनों का इंटरसेक्शन तो ये तीनों का इंटरसेक्शन है तो ये वो आप उस तरफ लेके जाओगे एक प्लस वन आएगा एंड प्लस आपका जीरो पॉइंट टू फाइव प्लीज सब लोग लिख के करेंगे आप लोग इतने स्मार्ट नहीं हुए हो कि विजुअलाइज कर पाओ जस्ट मी द आंसर दैट्स द करेक्ट आंसर करो ठीक एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं अच्छा एक कार्ड का सम कर लेते हैं फिर हम लोग खत्म ये क्लियर है कि मैं समझाऊं दोबारा मैम कैन यू एक्सप्लेन ए इंटरसेक्शन डी ए इंटरसेक्शन डी ए यू डी दिया हुआ है ए यूनियन ए दिया हुआ है डी दिया हुआ है तो वो वाला जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं क्या जाएगा ठीक है क्या नाम है राजवी चलो नेक्स्ट अच्छा कौन कार्ड्स खेलते हैं पे हैंड करना क्या क्या खेला है ठीक है तो खेला हुआ है अभी नहीं खेलते तुम लोग खेलते हो हैंड रेस करो ना का ये एक दो तीन खेलते तो हो सब कितनी एक डेक एक डेक में कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड होते मैं लिख नहीं रही हूँ छोड़ो तो, 52 कार्ड होते हैं एंड कैसे होते हैं 13 कार्ड ऑफ एच वेरिएंट ठीक है व्हाट आर द वेरिएंट्स स्पेड्स क्लब्स हार्ट्स एंड जिसमें से दो ब्लैक होते हैं दो रेड कौन से ब्लैक होते हैं ये ब्लैक होते हैं रेड एंड थर्टीन कार्ड्स ऑफ इच ठीक है जिसमें से हम लोग थर्टीन कार्ड्स मतलब ए टू थ्री डॉट 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 कहां तक जाता है नंबर बोलो हाँ? 10, फिर J, Q, K. These are considered, ए में कभी भी फेस नहीं बना हुआ होता है जैक किंग एंड क्वीन में ही फेस बना हुआ होता है एस में नहीं होता ठीक है सो ये होता है ये सबको पता है क्लियर फिफ्टी टू कार्ड का एक डेक है एक डेक में देर आर फोर वेरियंट हर एक वेरियंट का थर्टीन कार्ड है से लेके तक का कोई ऐसा number नहीं नहीं हम बोलते कि है वैसा, कुछ नहीं है. कुछ तो ये इसका कोई वो uh, कुछ बोलते नहीं इसको अलग से इसको एस बोलते हैं दिस इज एक क्वेश्चन है बहुत ही इजी है वैसे तो बट ठीक है कर लेते हैं सो अ कार्ड इज पिक्ड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड विद आउट रिप्लेसमेंट नाउ देर आर टू वर्ड विच बी यूज रिप्लेसमेंट एंड वन इज विदउट रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट का मतलब है हमने एक कार्ड उठाया वापस उसको देखा एंड वापस उसको रख दिया इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट ठीक है विदाउट रिप्लेसमेंट एक कार्ड उठाया अपने पास रख लिया फिर एक और कार्ड उठाया इसको क्या बोलेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट गॉट इट रिप्लेसमेंट के केस में क्या होता है आपका जो ओरिजिनल डेक है वो एज इट इज रहता है एंड विद रिप्लेसमेंट क्या होता है जो आपने उठा लिया अब वो माइनस हो गया बाकी आपके फिफ्टी वन कार्ड बचे क्लियर ठीक है आप लोग स्मार्ट है बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक कार्ड हम पिक करें फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक Without रिप्लेसमेंट ठीक है विदाउट without. Without replacement, रिप्लेसमेंट एंड देन कार्ड इज पिक्ड एक कार्ड उठाया विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब अपने पास रख लिया, फिर एक और कार्ड उठाया ठीक है वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग पहला लिखो टू रेड कार्ड टू रेड कार्ड्स जो ये ऐसे आंसर बोल देते हैं ना ये इनको बोलते हैं ओवर स्मार्ट पीपल आप लोग एक्चुअली स्मार्ट करो आप लोग करो एमबी ठीक है वहाँ कैट में ऐसे आप फटाफट आंसर करना यहां समझाना पड़ता है नहीं समझाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा फिर वन ऑफ आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर नॉट इंटेलिजेंट आई एम जस्ट सेइंग वन ऑफ ईच कलर मतलब एक रेड का और एक ब्लैक का चलो बताओ किसने आंसर बोला था तुम तुम ना? नहीं तुम ही बोला था। अच्छा ठीक है दो क्वेश्चन एक तुम समझा दे एक तुम समझा दे <laughs> <laughs> कोई बात नहीं वो समझा देगा अंडर एस्टिमेट मत करो तुम लोग उसके उसको वो जानते नहीं होगा चल बोलो चलो बोलो कोई बात नहीं बोलो बोलो टू रेड कार्ड बोलो ये तो बहुत सिंपल है दोनों रेड कार्ड होगा ये क्या है पहले तो ये बताओ कि हमने पहले एक कार्ड उठाया रख लिया तो दूसरा कार्ड जो उठाएंगे इस, इस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन बोल रहे इंडिपेंडेंट हाँ रेस करना अभी तो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बोल रहे थे कौन बोल रहे डिपेंडेंट हैंड रेस करो डिपेंडेंट हुआ ना एक आपने लिया तो दूसरा ना डिपेंड्स की आपने पहला क्या उठाया तो पहला कार्ड प्रोबेबिलिटी की पहला कार्ड रेड होगा क्या होगा ट्वेंटी सिक्स बाय दूसरा कार्ड रेड होगा उसका प्रोबेबिलिटी अब ट्वेंटी सिक्स में से ट्वेंटी फाइव रेड कार्ड्स बचे और टोटल कितने कार्ड्स बचे? दिस इज आंसर ठीक है वन ऑफ ईच कलर एक ब्लैक का एक रेड का पहले मान लो ब्लैक उठाया तो क्या होगा एंड दूसरा मान लो ब्लैक उठाया तो रेड उठाना है ट्वेंटी सिक्स रेड है फिफ्टी वन प्लस पहला हमने रेड उठाया एंड दूसरा ब्लैक सो इट्स द सेम या तो आप इसका ही इंटू टू कर सकते थे क्लियर है दैट्स योर आंसर को निकाल लो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि हम लोग एक डायमंड उठाएंगे बहुत ही सिंपल है okay. 13 by 52 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक एस उठाएंगे फोर एस okay. होते हैं ना फोर by 52 जैक क्वीन और किंग उठाएंगे okay. हर एक के तीन तीन होते हैं three two four twelve twelve by 52 वेरी सिंपल चलो Next we'll start with random variables.